तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि दो सेटलाइट है तो वो सेटेलाइट ए एंड बी है और मूव अराउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट कहता है द मास ऑफ़ बी इज ट्वाइस द मास ऑफ ए मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाए तो ये कह रहे हैं कि मास ऑफ बी जो है वो टू टाइम्स है मास ऑफ ए से तो अगर बी और मास का एक रिलेशन दिया हो तो क्या दोनों का स्पीड सेम होगा तो चलो स्पीड निकाल के ऑर्बिटल स्पीड निकाल के देखते हैं तो ये रहा अपना सेटेलाइट ये रहा आर्बिट तो ये आर्बिट बेसिकली तुम देखोगे तो इस आर्बिट में दो सेटेलाइट चेक कर लगा रहे हैं मतलब इन दोनों का ये जो ये यहाँ पर एक सेटेलाइट ये है ए और मास ऑफ बी इज डबल द मास जो है वो बी है तो इन दोनों का आर्बिटल स्पीड एक का आर्बिटल स्पीड बी भी, भी मान लेता हूँ दूसरे का आर्बिटल स्पीड भी ये मान लेता हूँ तो आर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होता है तो आर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है आर्बिटल स्पीड वो होता है जी एम मास ऑफ द प्लैनेट और आर का स्क्वायर अंडर रूट आर वह सेपरेशन है जो ये वाला जो सेपरेशन है आर जो है बेसिकली ये है ठीक है ये वाला ये अर्थ ये मास ऑफ द अर्थ है अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप एक बार डिराइव कर लो ठीक है तो सेंटिविटल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट सेंटिविटल फोर्स इज इक्वल टू एम मास ऑफ द सेटलाइट भी इज इक्वल टू आर और ये कहाँ से मिलेगा ग्रेविटेशनल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सेटलाइट और इनके बीच का सेपरेशन आर तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं किया आर्बिटल वेलोसिटी जीएम ओवर आर अंडर रुक गया अगर आप भूल गए हो तो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो आर्बिटल स्पीड होगी वो सेम होगी मतलब जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है तो ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाता है तो चलो बी चेक करते हैं तो बी ऑप्शन अगर चेक करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड में तो पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ए का क्या होता है माइनस जी एम एम ओवर आर तो ये मास ऑफ ए और कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ़ बी का निकालोगे तो ये बी का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो माइनस जी एम और मास ऑफ बी अपन आर तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यहाँ से आ गया इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी क्योंकि मास अलग अलग है भाई तो अगर देखो यहाँ से मास अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम कैसे आ जाएगा तो ये जो मास है ये वाला जो मास है बेसिकली ये डिफरेंट है मास डिफरेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगा मतलब ये बी जो ऑप्शन है वो सेम नहीं है मतलब गलत है चलो बात करते हैं सी का काइनेटिक एनर्जी तो सी ऑप्शन देखो काइनेटिक एनर्जी अगर बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई हाफ एम बी स्क्वायर तो अगर हाफ एम वेलोसिटी ए और मास ए का स्क्वायर तो अगर काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का देखोगे बी का तो ए आ जाएगा हाफ मास ऑफ बी मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर तो तुम यहाँ से देखोगे कि मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी तो इनके काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं है ठीक है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी Uh, क्या है अलग अलग तो ए भी ऑप्शन गलत है टोटल एनर्जी ऑफ ए इस सेम है टोटल एनर्जी बात करो देखो जब जब काइनेटिक पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं है तो टोटल uh, डी ऑप्शन बात करो तो टोटल एनर्जी किसी भी सेटेलाइट की होती है ए की वो होती है माइनस जी एम एम ओवर टू आर ठीक है तो ए के लिए ये तो टोटल एनर्जी अब बी की जो आ जाएगी किसी भी सेटेलाइट की आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा जी एम एम मास बी ओवर और टू आर तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो ए की इज नॉट इक्वल टू तो टोटल एनर्जी ऑफ बी बिकॉज मास ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू तो मास ऑफ बी तो टोटल एनर्जी भी इनका क्या आया भाई तो टोटल एनर्जी भी सेम नहीं आया तो अपना डी ऑप्शन भी गलत है तो आई होप कि इसमें केवल एक ऑप्शन सही हो रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा